आज हम जिस जगह आए हुए हैं वो जगह बेंगलुरु शहर के बीचों बीच स्थित है। आज हम आए हैं द मजेस्टिक बेंगलुरु पैलेस। नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट नीलम और आप देख रहे हैं स्मार्ट ट्रिप विद नीलम। हम आए हैं द मजेस्टिक पैलेस बेंगलुरु, जो कि बेंगलोर शहर के बीचों बीच है। इसका निर्माण सन गैरेट के द्वारा कराया गया था 1862 में। ये एक बहुत ही भव्य इमारत है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है और यहाँ के कई आकर्षणों में से एक है। इसे चाम राजा वडियार ने सन 1884 में खरीद लिया था और इसका कई बार नवीनीकरण हो चुका है। अभी हाल ही में इसका नवीनीकरण हुआ है, जिससे ये बिल्डिंग और भी शानदार लगने लगी है। ये बिल्डिंग इसलिए और ख़ास है क्योंकि यहाँ पर वडियार फैमिली की बहुत सी चीज़ें रखी हैं जो कि इसे और भी खास बनाती हैं। यहाँ पर अमूल्य बर्तन, पेंटिंग्स जो कि डच, फ्रेंच और भारतीय शैली के पेंटरों द्वारा बनाई गई हैं, वो हैं, जिनमें कई मशहूर पेंटर्स, जिनमें राजा रवि वर्मा जैसे पेंटर्स भी शामिल हैं, उनकी पेंटिंग्स हैं। जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको एक बड़े से हाथी का सर दिखाई देगा, जिसका शिकार राजाओं के द्वारा किया गया था। और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जिनमें अनमोल फर्नीचर, शैंडेलियर्स और कई ऐसी चीज़ें हैं जो प्राचीन समय से ताल्लुक़ रखती हैं। यहाँ पर कई छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं। ड्रेसिंग टेबल्स, पुराने ज़माने में इस्तेमाल होने वाले बर्तन और राजाओं के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले फर्नीचर्स, पेंटिंग्स, तस्वीरें और उस समय के रहन सहन में उपयोग होने वाली शाही चीज़ें। ये पैलेस अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। जब इसका निर्माण किया गया था तो इस बात का ध्यान रखा गया था कि इसको देखने में हूबहू विंडसर कैसल जैसा लगे, जो कि इंग्लैंड में स्थित है। ये बिल्डिंग लगभग 4,500 वर्ग फुट में फैली हुई है, जो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। ये इसके पास एक छोटा सा पार्क भी बना हुआ है, जहाँ पे फूल और कई प्रकार के वृक्ष मिलते हैं।
अगर आप इस पैलेस को घूमने आते हैं तो इस पर टिकट चार्ज किया जाता है, जो कि अराउंड 260 से 280 के बीच में होता है। ये चार्ज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये वडियार फैमिली की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो आप जब भी बैंगलोर आएँ इस जगह पर ज़रूर आएँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।